दोस्तों ये है बॉस कंपनी का एट के जी का फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन जो बहुत ही अच्छा है इसका मैं पूरा लुक दिखा देता हूँ इसके पैनल को यूज़ करके दिखाऊंगा पहले इसका लुक देख लीजिए कैसे यूज़ करते हैं पैनल पे क्या क्या प्रोग्राम है इसे ऑन करके दिखाऊंगा ये देखिए आठ किलो का ये मशीन है विथ हाइड्रोलिक डोर ये सॉफ्ट क्लोजिंग डोर के साथ है आप देख सकते हैं कितना स्मूथली नीचे आता है तो आपके हैंड के लिए भी सेफ्टी रहेगा और ग्लास ब्रेक नहीं होता है यानी लीड ब्रेक भी नहीं होगा ये काफ़ी अच्छा मशीन है दो साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है और मोटर पे दस साल वारंटी है इस मशीन के पीछे देखिए दो हैंडल लगे हैं ये एक जगह से दूसरे जगह मूव करने के लिए अच्छा रहता है ये दोनों हैंडल इसका बैक साइड पार्ट दिखा देता हूँ इसके बाद ये हैंडल के नीचे व्हील दिया हुआ है जो सबसे मशीन के नीचे वो भी दिखाऊँगा और ये देखिए ये इनलेट है यहाँ पे जो नल से पाइप कनेक्ट होता है मशीन को नल से जो पानी आता है वो इनलेट पाइप यहाँ पे कनेक्ट होगा और ये हैंडल है ये दोनों हैंडल दोनों हाथ से पीछे के तरफ करके और आप अपने तरफ़ इसे झुका करके के और दूसरे जगह पे मूव करना है एक जगह से दूसरे जगह तो कर सकते हैं क्योंकि इस मशीन के नीचे दो व्हील दिए हुए हैं दोनों व्हील के सहारे ये आराम से एक जगह से दूसरे जगह आप लेकर जा सकते हैं क्योंकि इसमें स्टैंड का कोई ज़रूरत ही नहीं है आप देख सकते हैं ये दो रेड कलर के जो व्हील लगे हुए हैं ये काफ़ी स्ट्रांग है आपको कोई स्टैंड लगाने का ज़रूरत नहीं होगा ये दोनों व्हील दिए हुए हैं ये और ये और ये जो है ये आउटलेट है जो वाश वॉश करने के बाद जो पानी ड्रेन होता है गंदा पानी या सर्फ वाला पानी यहाँ से ही ड्रेन होता है ड्रेन पाइप यहाँ पे ही लगाना है यहाँ पे ड्रेन पाइप लगा के आप इसे लेफ़्ट या राइट टर्न कर सकते हैं क्योंकि ये फ्लेक्सिबल पाइप रहता है इनलेट आउटलेट दिखा दिया मैंने अब इस मशीन के अंदर क्या है वो एक बार दिखा देता हूँ कि इसका जो क्लीनिंग प्रोसेस है कैसे होता है अभी देखिए ये इसमें एक जो इनलेट और आउटलेट है और यूजर्स मैनुअल है ये पैकिंग के साथ आएगा आपको यानी नल से जो पानी आएगा उसके लिए एक इनलेट पाइप और एक आउटलेट पाइप साथ में आएगा और ये यूजर्स मैनुअल भी है इसके अंदर और यहाँ पर आप देखिए ये जो रिंग दिए हुए हैं थ्री रिंग और ये डिवाइडर ये जो है ये जब घूमता है तो क्लीनिंग रिज़ल्ट उससे अच्छा होता है स्क्रबिंग इफेक्ट आता है जैसे हाथ से हम क्लीन करते हैं उसके लिए है और ये लिंट, लिंट जो भी है ये जमा हो जाता है कपड़ों के जो धागे हैं उसे ऐसे निकाल करके और फिर धो करके वापस लगा देना है आपको इसको ऑन करके मैं दिखाऊंगा पहले ये देख लीजिए जब कपड़े डालते हैं उसके बाद यहाँ पे डिटर्जेंट डालना है आपको अगर आप ड्राई डिटर्जेंट डालते हैं तो ये ब्लू कलर का जो ऊपर का ये पार्ट है ये निकाल देना है और लिक्विड डालना है तो डायरेक्ट इसी के अंदर ही डाल देना है ये निकाल दीजिए अगर आप ड्राई डिटर्जेंट यूज़ करते हैं तो और अगर लिक्विड डालना है तो डायरेक्ट इसी में डाल दीजिए और ये वाला जो है ये देखिए सिंबल दिया हुआ है कंफर्ट जो होता है फैब्रिक कंडीशनर जिसे शाइनिंग और खुशबू आती है वो इसमें डालना है आपको अब इसके पैनल पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इसका विजिबल जो लुक दिया हुआ है जो भी प्रोग्राम्स लिखे हैं कोई भी यूज़ कर सकते चाहे वो सीनियर सिटीजन हो या कोई भी जो भी प्रोग्राम्स है बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है आप इसको अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं इजीली बहुत ईजी है प्रोग्राम आपको सिर्फ पावर ऑन और, और स्टार्ट दबाना है ये पावर का बटन प्रेस करेंगे तो जो नॉर्मल प्रोग्राम है वो ऑटोमेटिक सेट हो जाता है आपको खाली स्टार्ट दबाना है यहाँ पे वॉश टाइप दिया हुआ है इसमें दिया है माइल्ड या नॉर्मल या इंटेंसिव जब चालू करते हैं तो नॉर्मल ऑटोमेटिक चालू हो जाता है और अगर आप ज़्यादा गंदा है तो आप ये इंटेंसिव सेट कर सकते हैं नहीं तो ये नॉर्मल पे दिखाएगा ऐसे हमेशा और आपको अगर कम गंदा कपड़ा रहेगा तो माइल्ड पे सेट कर सकते हैं और नीचे जो ये ऑप्शन है ये सोकिंग है धोने से पहले अगर कपड़े को भिंगा के रखना है तो आप इसे रख सकते हैं भिंगा के पंद्रह मिनट तीस मिनट साठ मिनट और नब्बे मिनट के लिए और ये जो है ये वाटर लेवल है और ये नीचे फेवरेट साइकिल है वो भी आप सेट कर सकते हैं ये वाटर लेवल और फेबरेट दोनों को अगर लॉन्ग प्रेस करते हैं एक साथ तो चाइल्ड लॉक भी हो जाता है ताकि कोई बच्चे अगर इस प्रोग्राम को चेंज नहीं कर सकते हैं यहाँ पे देखिए ये स्मार्ट सजेस्ट है ये सबसे पहला प्रोग्राम रहता है जब आप चालू करते हैं तो सबसे पहले ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है ये प्रोग्राम अगर चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं लेकिन डायरेक्ट अगर आप पावर ऑन ऐसे ये पावर का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये नॉर्मल पे लाइट आएगा और ये स्मार्ट सजेस्ट पे आएगा यानी कि कपड़े डाल दीजिए मशीन ऑटोमेटिक टाइम और वाटर ये सब एडजस्ट कर लेगा और ये स्टार्ट दबा देना है जैसे आप स्टार्ट दबाएंगे तो मशीन ऑटोमेटिक वॉश रिंस और स्पिन कंप्लीट कर लेगा और इसमें आपको पहला जो प्रोग्राम है उसमें जो टाइमिंग है दिखाएगा फिर डिले टाइमर भी आप लगा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा देर के बाद फाइव आवर्स सेवन आवर्स टेन आवर्स ऐसे बाद में यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं मशीन को अब देखिए इसे मैं स्टार्ट करता हूँ इसे प्रेस किया मैंने जैसे ही प्रेस करेंगे तो देखिए ये लाइट आता है सबसे पहले नॉर्मल यानी कि जो डर्ट लेवल है नॉर्मल दिखा रहा है वॉश टाइप और स्मार्ट सजेस्ट कपड़े डालना है आपको ऑटोमेटिक ये टाइम और सब दिखाएगा यहाँ पे आप देखिए अपने बस यहाँ पे देख लीजिए ये फोर्टी सिक्स मिनट्स का टाइम दिखा रहा है फ़ोटी सिक्स मिनट में ये वॉश करेगा रिंस करेगा स्पिन करेगा और ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा आपको अगर बीच में स्टॉप करना है तो यहाँ पे स्टॉप भी कर सकते हैं नहीं तो डायरेक्ट स्टार्ट करके आप इसे चालू कर सकते हैं ये मैंने प्रेस किया अब ये प्रेस किया तो आप देखेंगे यहाँ पे ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ पावर ऑन और, और स्टार्ट किया ये स्टार्ट चा, चालू हो जाता है आपको स्टॉप करना है तो इसे प्रेस करके आप स्टॉप भी कर सकते हैं और प्रोग्राम चेंज करना है तो तो ये प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है अभी जैसे ही इसे मैं प्रेस करूँगा अभी प्रेस करूँगा तो देखिए यहाँ पे क्विक पे आ गया जैसे कम कपड़े रहेंगे कम क्वांटिटी में कपड़े हैं और कम गंदा है तो उसके लिए ये प्रोग्राम आप यूज़ कर सकते हैं फिर प्रेस करेंगे तो ये देखिए मिक्स लोड के लिए दिया हुआ है यहाँ पे मिक्स पे लाइट आ रहा है और सभी प्रोग्राम के लिए टाइमिंग ऑटोमेटिक चेंज कर लेगा मशीन आपको खाली ये प्रोग्राम सेलेक्ट करना है फिर प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे साड़ी डेलिकेट क्लोथस उसके लिए है और देखिए यहाँ पे टाइमिंग दिखा रहा है फिफ्टी सिक्स मिनट्स और उसमें तीनों लाइट जल रहा है यानी वॉश स्पिन तीनों करेगा फिर बेड शीट के लिए अगर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए बेड शीट पर लाइट यानी इसी तरह से सभी प्रोग्राम आप सेलेक्ट कर सकते हैं और बेडशीट के लिए टाइमिंग एक घंटा छः मिनट दिखा रहा है खाली आपको स्टार्ट प्रेस कर देना है देखिए वॉश रिंस और स्पिन ये पूरा प्रोग्राम करेगा मशीन कोई भी प्रोग्राम सेट कर दिया आपने और स्टार्ट कर दिया तो मशीन ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा और ये जो वॉश टाइप दिया हुआ है इसको अगर चेंज करना है आपको यहाँ पे नॉर्मल दिखा रहे है, पर आपको माइल्ड या इंटेंसिव करना है तो आप ये वॉश टाइप वाला प्रोग्राम को प्रेस करके चेंज कर सकते हैं जैसे इसे मैं प्रेस करूँगा तो देखिए इंटेंसिव आ गया यानी इसमें ज़्यादा टाइम लेगा मशीन और फिर ज़्यादा टाइम लेने की वजह से आपका जो क्लीनिंग रिजल्ट है क्लोज़ का वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और ये है सोकिंग टाइम जो जैसा कि मैंने बताया था आपको अगर आपको पहले भिंगाना है कपड़े को और फिर धोना है ताकि अच्छा क्लीनिंग हो तो आप ये सोकिंग टाइम 15, 30 मिनट्स 60 मिनट्स और 90 मिनट्स के लिए टाइम प्रेस करके लगा सकते हैं अभी देखिए मैंने प्रेस किया यहाँ पे 15 मिनट 30 मिनट फिर दिखाएगा फिर साठ फिर नब्बे और जो भी टाइम हम सेट करते हैं जैसे तीस मिनट के लिए यहाँ पे मैं अगर करता हूँ सोकिंग टाइम तो यहाँ पे जो वॉश टाइम है उसमें वो ऐड हो जाता है इसे मैं स्टार्ट किया तो यहाँ पे देखिए एक घंटा चालीस मिनट पहले एक घंटा दस मिनट वाइट के लिए टाइमिंग था और तीस मिनट सोकिंग ये दोनों मिला के एक घंटा चालीस मिनट टाइम यहाँ पर ऑटोमेटिक चेंज हो गया अब अगर आपको मशीन यहाँ पे दिखा रहा है वॉश रिन्स स्पिन तीनों कोई भी प्रोग्राम में मशीन ऑटोमेटिक सेट कर लेता है तीनों प्रोग्राम करता है लेकिन अगर आपको सिर्फ वॉश या सिर्फ रिंस या सिर्फ स्पिन करना है या वॉश रिंस करना है वो सब आप यहाँ पे प्रेस करके चेंज कर सकते हैं जैसे अगर आपको रि... स्पिन नहीं करना है तो आप स्पिन को ऐसे दबाएँगे तीन बार चार बार दबाएंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा अब ये ज़ीरो हो गया मतलब स्पिन नहीं करेगा मशीन सिर्फ़ वॉश और रिंस करेगा रिंस भी नहीं चाहिए तो रिंस को भी जीरो कर दीजिए तो मशीन सिर्फ़ वॉश करेगा अभी देखिए सिर्फ वॉश पे लाइट जल रहा है और यहाँ 19 मिनट्स टाइम दिखा रहा है यानी सिर्फ वॉश करके मशीन रुक जाएगा आपको रिंस स्पिन नहीं करना है तो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं और उसी तरह से अगर मान लीजिए आपको वॉश और रिंस करना है पर स्पिन नहीं करना है तो वो भी आप सेट कर सकते हैं यहाँ पे तो सिर्फ वॉश पे लाइट जल रही है यानी मशीन सिर्फ़ वॉश करेगा क्योंकि आपने रिंस और स्पिन ऑफ कर दिया है अगर आपको रिंस चाहिए तो आप रिंस भी कर सकते हैं जैसे दो टाइम रिंस मशीन दो टाइम रिंस और वॉश करेगा तो देखिए फोर्टी मिनट्स का टाइम ऐड हो जाएगा फोर्टी मिनट्स तक ये मशीन चलेगा वॉश रिंस करके बंद होगा स्पिन नहीं करेगा यानी ड्राई नहीं करेगा और अगर आपको ओनली स्पिन करना है वॉश रिंस नहीं करना सिर्फ सुखाना है मशीन के अंदर वो भी प्रोग्राम आप इस मशीन के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं मैंने स्पिन सेलेक्ट कर दिया और रिंस को और वॉश को मैं अभी ऑफ कर दूंगा यानी जीरो कर दूंगा ज़ीरो कर दिया इसको रिंस को और फिर वॉश को भी जीरो कर दूंगा अब यहाँ पे देखिए छः मिनट का खाली स्पिन दिखा रहा है स्पिन आप बढ़ा भी सकते हैं बीस मिनट तक का स्पिन जैसे मैं स्टार्ट करूँगा तो ये ड्राई करना चालू कर देगा खाली सुखाना है तो उसके लिए आप ये स्पिन ओनली कर सकते हैं तो ये मशीन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कुछ भी क्वेरी है तो उसे भी लिखिएगा वीडियो देखने के लिए थैंक